तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल। और दोस्तों, ये मेरे हाथ में है एक स्क्रैप बोर्ड, एक विदाउट MMC बोर्ड। आप जानते हैं इसको इजीली परचेस हो जाता है, आजकल हर कोई डीलर बेचते हैं इसको, स्क्रैप बोर्ड। हम इसको यूज़ करते हैं डोनर बोर्ड की तरह, स्वैपिंग की तरह। ये मेरे हाथ में एक कुरियर आया हुआ है, जैसे हर तौर पर हमारे को हमारे सब्सक्राइबर कुरियर भेजते हैं, क्योंकि हम बहुत कम दाम पे और ऑलमोस्ट फ्री में बना देते हैं उनका फ़ोन। तो ये यहाँ पर Redmi 7 है जो कि डैमेज के रूप में आया है, और ख़ास तौर पे हमने इसका वीडियो इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये जो फ़ोन जिस शॉप से आया हुआ है, उस शॉप के जो ऑनर है वो एक ऑनलाइन कोर्स करके बैठे हुए थे। तो पहले तो उन्होंने हमें फ़ोन दिया है और हमने इनको फ़ोन को बनाया, उसके बाद में हमने जब दिया तो उन्होंने बताया कि सर, इन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था और ये कुछ नहीं सीख पाए थे। मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो इनका एक ऑनलाइन का जो इन्होंने बातचीत की थी ऑनलाइन के कोर्स में कि क्या क्या इन्होंने, इनका पैसे वेस्ट गए, मैं ये भी डाल दूंगा, पर ये नेगेटिव हो जाएगा। और Acer टेलीकॉम कभी भी नेगेटिव चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। आप देखेंगे कि यहाँ पे बोर्ड फूला हुआ है। देखिए, मैं पावर IC के पास में इसको प्रेस कर रहा हूँ और इसका जो अपर लेयर है, जिसको सरफेस लेयर बोलते हैं, ये उठा हुआ है। तो इसकी पीछे के CPU पर तो काम ही नहीं हुआ था क्योंकि इस पर पत्रा लगा हुआ था, पर ऊपर का पावर निकालने के चक्कर में या पावर को हीट मारने के चक्कर में इसका पूरा बोर्ड को, अपर लेयर को यहाँ पर डैमेज कर दिया गया है। तो अब क्योंकि ऐसे बोर्ड में तो हम इसको काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं इसकी जो टूट गई हैं। तो ये एक स्वैपिंग का केस है। यहाँ पे आपको एक दूसरे फ़ोन से, अब यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको CPU MMC को निकाल कर आपको दूसरे एक वर्किंग लाइफ फ़ोन में डालना होता है। और दोस्तों, ये चीज़ आप करें विदाउट MMC वाले जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें ईजिली हो जाती है, पर बोर्ड फ्रेश कंडीशन में होना चाहिए, कनेक्टर सही होने चाहिए, सारे कॉम्पोनेंट लगे होने चाहिए। यहाँ पर ईजिली हमने CPU निकाला, अब हम यहाँ पर इसका MMC भी निकाल देते हैं। ये इसका MMC BJ254 लगा हुआ है और CPU इसका SDM660 यहाँ लगा हुआ है। तो ये निकालने के बाद में अब हम जो दूसरा स्वैपिंग वाला बोर्ड है वो लगाएंगे, और क्योंकि उसमें MMC तो ऑलरेडी निकली हुई है, उसका खाली CPU निकाल देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिर्फ CPU निकाल रहे हैं। इस बोर्ड को हमने ऑलरेडी पहले चेक कर लिया था, इस बोर्ड में सिर्फ पावर का मसला था, क्यों पावर हम चेंज करके इसको बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बोर्ड में बाकी हार्डली कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग हो माइनर शॉर्टिंग अगर आपके बोर्ड में रहेगी तो आप जो स्वैपिंग सोच रहे हैं या करना तो वो हो नहीं पाएगी। तो आप देखेंगे कि जैसे कि आपको यहाँ पर अब CPU को हम क्लीन कर रहे हैं, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे CPU को क्लीन कर रहे हैं और CPU को क्लीनिंग करके हम CPU और MMC को रिवॉल्व करके इस बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट रिजल्ट बनता है कि नहीं। और ये इजी एक जॉब है, यहाँ पर आपका स्किल, हैंड स्किल मैटर करता है। और दोस्तों, क्योंकि ये डेड फ़ोन में हम बना रहे हैं एक, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो फ़ोन चालू है या नहीं, तो इसलिए हमको उस फ़ोन की कंडीशन भी देखनी पड़ती है। तो ये भी हमें आना चाहिए, अगर वो नहीं भी है तो हमें उसको चालू करना है। तो हमें डेड डायग्नोस प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, जो कि Acer टेलीकॉम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इस तरीके से सिखाएगा जो आप सोच नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप भले 10 साल के टेक्नीशियन हो या 15 साल के टेक्नीशियन हो, आप कोई भी साल के हो, आप जीरो लेवल पे, आपने बोर्ड देखा तक नहीं, तब भी सबको एक जैसा ही यहाँ पर लेवल पे आका जाता है, ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग लेवल 1 लेवल 2 नहीं करते, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते कि बेसिक की क्लास अलग चला रहे हैं, MMC की क्लास, हम यहाँ पर एकदम शुरुआत से ही, हम जैसे सपोज़ अगर आप हमारे पास, आपको, आप कहते हैं कि आपको बहुत सारा काम आता है पर आप हमसे कॉल कीजिए, हम आपसे कुछ पूछेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे। अगर आपको बेसिक आता है तो हम आपको बेसिक के बारे में पूछेंगे और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना बेसिक आता है। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो हमें इससे निकाल के इससे बना लेना, इससे निकाल के इससे बना लेना, पर प्रॉपर वे में नॉलेज हमें पता नहीं। क्योंकि इन कंडीशन में अगर मान लो, अगर यही वाले बोर्ड में अगर फ़ोन चालू नहीं होता तो इसको आप चालू नहीं कर पाते क्योंकि डायरेक्ट डायग्नोस नहीं हो पाता। आपने तो CPU MMC हैंड स्किल के तौर पर लगा दिया, बट आप इसको अब ये नहीं कर पाते कि यार ये जो दूसरा मैंने एक डैड बोर्ड या MMC वाले बोर्ड से हमने निकाल के लगाया था वो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये डायग्नोस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए कंपोनेंट का नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि कंपोनेंट की वजह से भी डैड हो सकते हैं। सेक्शन का होना जरूरी है क्योंकि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वोल्टेज की सप्लाई जाती है उसकी वजह से डैड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। तो
हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी 10 दिन 15 दिन का कोर्स चलाते हैं, 20 दिन का कोर्स चलाते हैं, और जल्द से जल्द आपको ये वादा करते हैं कि आप जल्द से जल्द सीख कर घर चले जाएँ, या तो वो आपको फोर्स करेंगे कि ऑनलाइन आ जाइए। अब अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल पूरा पैसा बर्बादी है, क्योंकि आप एक हार्डवेयर का कोर्स ऑनलाइन कभी सीख नहीं सकते। और अगर आपको वो ये कह रहे हैं कि पहले आप आधा कोर्स ले लीजिए और आधा बाद में ले लीजिए, तो दोस्तों ये कोई दिन का खाना नहीं है कि अभी आधा खा लो और शाम को बाद में आधा खा लेना। ये एक नॉलेज है, इसको प्रॉपर वे में ही लेना, इसको ए से लेकर जेड तक लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारा तो यार YouTube पे ही डला है, और ये वही कंटेंट है जो YouTube पर आपको बता रहे हैं, मतलब ये कुछ अलग नहीं है। आप वो चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो जो YouTube पर डला है। आप सोचिए, देखिए यहाँ पे हमने MMC और CPU को रिवॉल्व कर लिया है, अब हम इसको एक एक करके लगाएंगे। आप नोटिस कीजिए मेरी बात को, आप उन चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो जो ऑलरेडी YouTube पर डले हैं, और वो आपको डराते हैं कोविड का सहारा लेके कि सर कोविड चल रहा है, आप अपनी रिस्क पे आइए, आप कहाँ तक आएंगे, आप अगर आएंगे तो आपको कोविड हो जाएगा, हमें नहीं पता है सर, ये है वे है, और अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं। आप सोचिए कि वो आपको एक डर के सहारे से आपके साथ आपके माइंड वॉश कर रहे हैं। अगर आपसे बात करूं कि अगर कोविड इतना ही चल रहा है, अगर बहुत सारी चीज़ें इतनी चल रही है, तो देश बंद हो जाना चाहिए। हम तो हमारी क्लास आप देखेंगे तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े शहरों में पढ़ने से अच्छा है दोस्तों एक छोटे शहर पे जाके भी आप पढ़ें तो ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा। क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या मुंबई या हैदराबाद जैसी बड़ी सिटी में हज़ारों लोग आते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और छोटे शहरों में कोई आबादी नहीं है, लोग घूमने तो सवाल ही नहीं होता कि यहाँ पे कुछ घूमने लायक है नहीं है। आप अपने कैरियर बनाने आ रहे हैं, घूमने के लिए मत जाइए। टूल ख़रीदना है तो आपको इंस्टीट्यूट में भी हमारे टूल मिल जाएंगे बैठे बैठे, आपको दिल्ली जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आप सिर्फ एक दो दिन के लिए अपने टूल के लिए जाइए, उस टाइम पे घूम भी लीजिए। पर आप सोचेंगे कि मैं घूम भी लूँ, टूल भी ले लूँ और पढ़ भी लूँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसे में है ना, फिर आगे आपको लगेगा कि पैसे बर्बाद हो गए। बहुत से सारी चीज़ ऐसे फैक्ट होते हैं, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, जहां पर बहुत सारे लोग हमें जब मैसेज करते हैं कि सर हम यहां से पढ़े हैं और पैसे बर्बाद करके आए हैं, हमारे लिए कितना डिस्काउंट करेंगे, हमारे साथ पूरी बैच है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीख नहीं पाए। दोस्तों अगर मान लीजिए सपोज़ कोई इंस्टीट्यूट किसी बच्चे को सिखा नहीं पाता है, तो ऑब्वियस ये उसकी गलती है। बट अगर वो बच्चे की भी गलती ये हो कि वो एक बार में ही बाहर चले जाता है, उस बच्चे को इंस्टीट्यूट से पूछना चाहिए, दूसरी बार क्लास लेनी चाहिए, तीसरी बार लेनी चाहिए, और उस इंस्टीट्यूट को देनी भी चाहिए। हम कभी मना नहीं करते हैं दूसरी बार तीसरी बार क्लास देने पर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, तो हम उनको एक सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, और जिसमें हम उनको वापस बैकअप क्लास के लिए बुलाते हैं, और बैकअप क्लास देने का एक तरीका होता है, क्योंकि हर चीज़ को बेसिक से फिर से पढ़ाया नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हम, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने देखिए मैंने CPU लगा दिया है, अब मैं MMC लगा रहा हूँ, और आप Acer Telecom को ज्वाइन कर सकते हैं। Acer Telecom को ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आप देखिए हमारे चैनल पे कितना वर्क डाला हुआ है, इस लेवल पे ही जो स्वैपिंग लेवल है, आप अपने बोर्ड लेके आइए, हम आपसे स्वैपिंग करवाएंगे। और दोस्तों ये नेपाल के नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप चाहें तो अगर नेपाल से देख रहे हैं तो आप नेपाल से भी हमें इस नंबर्स के थ्रू बात कर सकते हैं, डायरेक्ट लोकल पे, आपको वहाँ पर कोई भी STD या ISD नहीं लगेगी। सो बेसिकली आप हमसे बात कर सकते हैं नेपाल में। और दोस्तों अगर हम बात करें, और दोस्तों ये जो नंबर हम दे रहे हैं आपको, दोस्तों यहाँ पे जो हम नेपाल के नंबर आपको दे रहे हैं, वो नेपाल के जो नंबर हैं वो बेसिकली हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट के नंबर हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उनके थ्रू हमारे एडमिशन करा सकते हैं। तो देखिए हमारा लग गया है, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो लगा है CPU और MMC हमने जो माउंट किया है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं इसको,
एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए हमारा फ़ोन फर्स्ट लोगो पे आ गया है, तो इसका मतलब है हमें हमारा फ़ोन डन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा इसको ऑन कर लिया है, और ऑन करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कस्टमर का लॉक लगा हुआ है। और ये डाटा हमने जो रिकवरी की है, ये हमने रेडमी नोट 7 में रिकवरी किया जो हमें कुरियर में आया था। आंध्रा से आए हो, आंध्रा से पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑलरेडी हो गया। ऑलरेडी हो गया, वेरी गुड। अभी आपको कोई सा भी सेट दे तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? आराम से हैं, बना दूंगा, नो डाउट बना पाओगे 100%। सर मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?